हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग करी की रेसिपी। घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल की अंडा करी आज हम बनाएंगे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर किए हैं और मैं गारंटी देती हूँ खाने वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लैटर ऑफ टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और गैस को कर लिया है ऑन, और अब हम इसमें तेल डालेंगे। चम्मच से नापेंगे तो 2 बड़े चम्मच, और अगर आप कप से नापेंगे तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप तेल लिया है। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप्स नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो तेल को अब हम गरम होने देते हैं, और जब तक ये तेल गरम हो रहा है तब तक हम उबले अंडों को छील लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अंडे उबाल के रख लिए हैं और अब मैं उन्हें टैप कर रही हूँ, और टैप करने पर एक ये क्रैक डेवलप हो गया है। इसी क्रैक से हमें अंडों को छीलना शुरू करना है। परफेक्ट एग करी बनाने के लिए अंडों का परफेक्टली उबलना बहुत ज़रूरी है। तो अंडों को परफेक्टली कैसे उबालें, उसका सही तरीका क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अंडे हमारे छिल चुके हैं, तो अब मैं इसे टूथपिक की मदद से प्रिक कर लूँगी। इससे क्या होगा, जब आप अंडे फ्राई करेंगे तो आपके अंडे फटेंगे नहीं और इसमें मसाला जो है अच्छी तरीके से चला जाएगा, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अंडे अब प्रिक कर लिए हैं, अब इसमें सूखे मसाले हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, लगभग 1 चुटकी। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और अब इससे हम अंडों को अच्छे से रब कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से हाथ से इसको रब कर लेना है। तो ये अंडे अब तैयार हैं, और यहाँ पर अब तेल भी आप देख सकते हैं गर्म हो गया है। तो अब अंडों को फ्राई कर लेते हैं। ये जो अंडे रखे थे, 1 बाय 1 मैं यहाँ पे तेल में डाल रही हूँ। हल्का हल्का चलाते रहना है और सब तरफ से इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हल्के से ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। और अब सेम तेल में मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, जावित्री और 8-10 खड़ी काली मिर्च। 2 मिनट इन्हें पकने देंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। मिक्स कर देंगे मसालों के साथ, और बाद में ऐड करेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी मिक्स कर देंगे। और अब इसको हम पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज ने कलर चेंज कर दिया है और प्याज हल्की हल्की पकना शुरू हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर पिसा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। 1 बड़ा टमाटर मैंने पीस कर रख लिया था, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो इसके बाद हम सूखे मसाले डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और 1 छोटी चम्मच जीरा का पाउडर डाल रही हूँ। भुने जीरे का पाउडर मैंने यहाँ डाला है। मिक्स कर देंगे अच्छे से सब चीज़ों को, और अब इस मसाले को पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले ने तेल जो है वो छोड़ दिया है, तो अब मसाला अच्छे से पक गया है। खुशबू भी आप अगर देखेंगे तो इसमें से अच्छी सी आने लगेगी अभी। तो अब ये अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। कोट कर देंगे अंडों को मसाले के साथ अच्छे से। तो अब इसके बाद हम इसमें पानी डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी चाहिए है उस हिसाब से
तो अब इसको हम मिक्स कर देते हैं और 2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, एग करी पककर तैयार है। गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे करते हैं सर्व। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे Facebook पेज को फॉलो कीजिएगा।